उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 2022 की राह में रोड़ा डालने की तैयारी राकेश टिकैत कर चुके हैं। टिकैत ने सड़क से संसद तक मोदी सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। नए कृषि कानून की वापसी नहीं हुई तो आगे नई रणनीति से आंदोलन को धार देंगे। टिकैत ने केंद्र सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। जहाँ पे हम गाजीपुर में बैठे हैं, यहाँ पे और जगह भी बैठे हैं, वहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर है। यहाँ पे हम झंडा फहराएंगे, कहाँ झंडा फहराएंगे, क्या करेंगे? अरे को तिरंगा झंडा फहराना कोई पाप तो हम कर रहे हैं। चुनाव मैदान में दो दो हाथ को तैयार टिकैत। ये कहा कि हमने के चुनाव हम लड़ रहे, चुनाव तो नहीं लड़ रहे, हमने कहा कि 2 महीने बाद में 5 तारीख की 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में मीटिंग होगी, हम उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। ये कहा 5 सितंबर को क्या बड़ा ऐलान करेंगे टिकैत? कह रहा कि हमने तो मना कर दिया कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम तो नहीं लड़ रहे चुनाव, और आगे की रणनीति क्या रहेगी वो तो रणनीति तो वही तय करेगी। हम 2 महीने तैयार करो, रणनीति वही तय होगी। आंदोलन को कैसे चलाना है, सरकार कैसे बात मान लेगी, ये तो सब चीजें तो तय होंगी। सरकार को लाइन पर लाने का टिकैत फॉर्मूला। भाई बात तो भारत सरकार को करनी है, भारत सरकार को एक कानून वापसी लेने हैं, तो भारत सरकार से ही तो बातचीत होगी। बातचीत के रास्ते कैसे होंगे, सरकार कैसे लाइन पाएगी, तो वो तय करेंगे सब चीज। अभी उसके पास में भी टाइम है, हमारे पास में भी टाइम है, आगे की रणनीति तय करेंगे। चुनावी दंगल में मोदी योगी को देंगे चुनौती। मैं ये कह रहा कि चुनाव से लेना देना क्यों नहीं होगा, हम वोट नहीं डालते क्या? भाई वोट डालने का मतलब इलेक्शन लड़ना ही थोड़ा होता है, हम वोट भी डालते हैं, चुनाव से भी मतलब है। अगर देश में रहना होगा तो चुनाव से मतलब नहीं होगा तो उसको तो फिर देश में आवाज उठाने का भी कोई वो नहीं है। बीजेपी की नई टेंशन, टिकैत का मिशन यूपी। यूपी मिशन क्या होगा वो 5 तारीख को तय होगा। यूपी मिशन क्या होगा? किसान नेता राकेश टिकैत ने सड़क से संसद तक मोदी सरकार के घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। नए कृषि कानून की वापसी नहीं हुई तो आगे नई रणनीति से आंदोलन को धार देंगे। टिकैत ने केंद्र सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। ये सितंबर को एक मीटिंग होगी सितंबर में मुजफ्फरनगर में, तो वहां से ही आगे की रणनीति पूरी तय होगी। तो सरकार को टाइम है कि भैया 2 महीने का टाइम है, सरकार पे भी अपना बातचीत कर ले, नहीं तो आगे की रणनीति हम वहां पर तय करेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी, पंचायत में किसानों को बुलाया जाएगा। मकसद साफ है, 5 सितंबर तक सुलह का रास्ता केंद्र सरकार ने नहीं निकाला, किसानों की मांगे नहीं मानी तो आंदोलन का गियर बदलेगा। वे चुनाव लड़े तो कोई राग नहीं, वे चुनाव लड़े तो रागड़ी गाते हैं, वे भजन है। हम अगर मिशन यूपी ने कहा तो हम राग गा रहे हैं, तो ये राग ही सुनाएंगे हम उनको। ये देश की जनता ने उनको वोट दिया है तो राग ही सुनाएंगे, अच्छा राग ही सुनाएंगे। जब हम उनको वोट नहीं दे रहे तो कोई जबरदस्ती है क्या, या गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे? ये तो नहीं होना चाहिए कि गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे। हम क्या जाते किसी के साथ में, हमारे भरोसा कोई ना रहे, हमारे भरोसा कोई ना रहे कि हम किसी के साथ जाएंगे। हम तो ये कहेंगे भाई तो बीजेपी को वोट मत दो। 2022 में कई राज्यों में चुनाव है, यूपी से लेकर पंजाब तक सबकी नजरें हैं, लेकिन टिकैत की नजर उत्तर प्रदेश पर है। अगर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो चुनावी दंगल में ताल ठोक सकते हैं आंदोलनकारी किसान। लोग किसान मोर्चा में चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। हाँ लड़ना चाह, लड़ना क्या, चुनाव लड़ना कोई गलत काम है? हम वोट नहीं देते भाई, वोट भी तो देता है, तो जो लोग वोट देता है तो चुनाव लड़ने की वोट देने की
जो वोट देता है वो चुनाव भी लड़ सके, कोई लड़ दो चुनाव का। आप इसके से सहमत हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं नहीं, हम नहीं, चुनाव जिसको लड़ना हो लड़ लो चुनाव। कोई यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कोई एफिडेविट थोड़ा देना पड़ेगा मैं चुनाव लड़ू। चुनाव तो जो वोटर है वो चुनाव भी लड़ सकता है। राकेश टिकैत, हम तो नहीं लड़ेंगे। क्या यूपी में बीजेपी के खिलाफ किसान नेता चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे या फिर सुलह का कोई रास्ता है? टिकैत की माने तो सुलह के रास्ते कई कांटे हैं। हम ये है कि किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, देश के किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और समाधान होगा भारत सरकार से बातचीत करके, और हम भारत सरकार से ही बातचीत करना चाहते हैं। सरकार किसी की भी आ जाए। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे पूरे उसमें मामले में कि ये जो सरकार बनी, ये सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती। हमने बहुत बार कहा कि सरकार बिना पार्टी की आगी, पार्टी की सरकार नहीं। सरकार पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। सरकार को तो कंपनी चला रही है और कंपनी को होता है नुकसान, तो वह इसलिए बातचीत नहीं करने दे रही। टिकैत आर पार के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन कर सकते हैं। टिकैत के आगे का रोड मैप क्या है, इसका ऐलान 5 सितंबर को होगा। मतलब साफ है, टिकैत की नजरें 2022 चुनाव पर है। आज तक ब्यूरो।